सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई आज तक की एंकर। नोट पर लगी चिप वाली बात पर फंसी श्वेता सिंह। श्वेता ने बताया था 2000 के नोट पर लगी है नैनो चिप। अब इस मामले पर देनी पड़ रही है श्वेता सिंह को सफाई। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए और मार्केट में 500 के साथ 2000 रुपए का नया नोट आ गया। लेकिन ये नए नोट अकेले नहीं आए, बल्कि इनके साथ ही कुछ ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए जो आज तक वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक था न्यूज चैनल आज तक की एंकर श्वेता सिंह का वीडियो। तीन बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। इस वीडियो में श्वेता सिंह को ये बताते हुए देखा गया कि 2000 रुपए के नोट में एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अगर कोई इन नोटों को ज्यादा संख्या में जमा करेगा तो इनकम टैक्स विभाग के पास सिग्नल चला जाएगा। ये वीडियो शायद नोटबंदी से जुड़ा सबसे ज्यादा वायरल होने वाला वीडियो था। श्वेता सिंह से बिहार विश्वविद्यालय के एक छात्र ने जब इस वीडियो के बारे में सवाल किया तो श्वेता सवालों से बचती नजर आई। छात्र ने जब श्वेता सिंह से पूछा कि आपने कहा था कि 2000 रुपए के नोट में नैनो चिप है, तो श्वेता ने इसके जवाब में कहा, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। फिर छात्र ने कहा, आपका उस वीडियो में चेहरा है, आपके चैनल पर वो वीडियो चला है। इसके जवाब में श्वेता सिंह कहती हैं कि क्या वीडियो पर आज तक का लोगो लगा है, माइक है, फिर रिपोर्ट कैसे हो गई? मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। श्वेता सिंह ने छात्र से ये भी कहा कि आपने 45 मिनट का वीडियो देखा था या फिर 45 सेकंड का, तो छात्र ने इसका जवाब देते हुए बताया कि उसने 45 सेकंड का वीडियो देखा था। फिर श्वेता सिंह ने कहा कि वो पूरा वीडियो 45 मिनट का है, उसे पूरा देखिए और फिर बात कीजिए। उस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि ये व्हाट्सएप पर आया हुआ फॉरवर्डेड मैसेज है, आपने पूरा वीडियो देखा नहीं और बस वो 45 सेकंड की वायरल क्लिप देख ली, पूरा वीडियो देखना चाहिए आपको। दोस्तों, इस वायरल हो रही वीडियो में ये साफ पता चल रहा है कि आज तक की फेमस एंकर श्वेता सिंह खुद को छात्र के सवालों से बचाना चाहती है। वो ये जानती हैं कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी इमेज पर इसका असर तो पड़ेगा ही। हालांकि दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।